हेलो माय लवली फैमिली, कैसे हो आप सब? आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल पर। यूट्यूबर साधना सोनी हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। सो गाइज, अभी मैं बना रही हूँ लंच और बस मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा चलो लंच बनाते बनाते मेरा व्लॉग भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और मैं कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ, इसीलिए रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, और जो बनती है ना खूब ग्रेवी वाली, और उस राइस के साथ लेने के लेंगे हम। तो बस मैं वही बना रही हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको हेलो बोल रही थी आप लोगों से। तो ये देखिए, आलू बैंगन मैंने कट करके रखा है और इसे बस इसे ही तड़का लगाने जा रही थी। और कोई इतना स्पेशल नहीं था, सभी को आती बनानी है ना। और इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं कूट के तैयार कर रही हूँ, और ये प्याज और हरी मिर्च कट करके रखी थी। चलिए फटाफट से तड़का दे देते हैं। ऐसे ही आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ, वैसे तो सभी को आती है। बस ये हींग है और जीरा है और प्याज और मिर्च का तड़का, और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही रेडी कर रही हूँ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी। और बैंगन मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत पसंद है मुझे बैंगन की सब्ज़ी। हाँ, और बस यहाँ पे सब्ज़ी मैं तैयार कर रही थी अपनी, और आज मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। मतलब क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही, पता है क्या है ना, और अभी यहाँ पे मैं इनसे बात कर रही थी, अपने पति देव जी से कुछ बात कर रही थी, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों को आज मुझे कोचिंग ले जाना है उनको, मतलब ट्यूशन उनको छोड़ने जाना है, और साथ ही साथ मुझे लंच भी लंच रेडी करके तब उसके बाद मैं उनको छोड़ने जाऊँगी, है ना। फिर क्या है, उसके बाद क्या है ना, फिर वहाँ से आऊँगी तो मुझे और भी कुछ काम है, तो वो भी काम निपटाने हैं। सो इसी वजह से मैं फटाफट कर रही थी। एटलीस्ट सब्ज़ी तो मैं तड़का लगा दूँ, और राइस तो मैं जब उनको छोड़ के आऊँगी ना, फिर उसके बाद ही मैं राइस चढ़ाऊँगी और मैं गुलाब जामुन भी बनाऊँगी। तो राइस और गुलाब जामुन की रेसिपी देखती हूँ शेयर करती हूँ कि नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या है ना, फिर व्लॉग बहुत लेंदी हो जाता है इसकी वजह से। तो देखती हूँ शेयर कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। और बस यहाँ पे सब्ज़ी तड़का, फिर देखिए वो जल्दीबाजी हो रही है, तो वो क्या है ना, बॉटल का कैप भी उतर के कहाँ चला गया था। सो बस यहाँ पे वही तड़का लगा रही हूँ, और आज है तीज। सो आप सभी को हैप्पी तीज, आगे मैंने आप लोग को विश किया है बट मैं फिर भी एक बार और विश कर दे रही हूँ, है ना। तो आप लोग सभी लोगों ने तीज का फास्ट रखा होगा ना, और मैं तो नहीं रखती हूँ तीज का फास्ट, आगे मैंने आप लोग से इस बारे में बात करी है। तो बस यही है। और आज पता है क्या है कि मेरी एक लास्ट वीडियो थी जिसमें मेरे एक सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पुटअप किया था, तो आज मैंने उसका आंसर उनको दिया है। तो बस यही है, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करते हो कमेंट करके तो मुझे बहुत जल्दी रहती है, मैं सोचती हूँ मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर आप लोग को दे दूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग अगर कुछ पूछते हो और मैं उसका, अगर मेरे पास जवाब होता है और मैं दे पाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है मुझे। ये मेरी अपनी पर्सनल है, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कोई क्वेश्चन करते हो मैं आंसर दे पाती हूँ। तो बस यही है, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा मेरे से, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी, अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं मेरे से, है ना। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ मैं, इससे क्या है ना कि आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बस बाकी तो मैंने तड़का वगैरह सब लगा ही दिया है, और ये सब्ज़ी बस मुझे कुकर में डालनी है। तो यहाँ पे क्या है ना, जब मुझे थोड़ी रसेदार चाहिए होती है ना सब्ज़ी, तो मैं क्या है कुकर में बनाती हूँ। तो बस यही है इसकी, ये देख लीजिए आप। और क्या है ना, मैं कुकिंग के साथ साथ थोड़ा क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। क्या होता है ना, तड़का लगाते हैं हम लोग तो तेल वगैरह के छिट्टे इधर उधर हो ही जाते हैं ना, कितना भी बचा के करो बट कभी कभी हो जाता है, सम टाइम हो जाता है। तो बस वही मैं कर रही थी यहाँ पे कि हाथ के हाथ सफाई भी हो जाती है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, फिर आपके ऊपर काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, है ना। क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं बाद में करेंगे, फिर क्या है बाद में फिर खाना वगैरह खा लो फिर थोड़ा आलस आ ही जाता है, तो क्या है हाथ के हाथ कर लो अच्छा रहता है। और जो ये आप देख रहे हैं ना, मेरा ये जो साइड में रखा है इसमें मैंने क्या है ना, राइस धो वॉश कर लिया है, ऐसे ही मैंने रखा हुआ है कि जब ट्यूशन से बच्चों को छोड़ के आऊँगी और उसके बाद आते ही मैं राइस चढ़ा दूँगी, और उसके बाद रसगुल्ले का जो होता है ना वो, उसको क्या बोलते हैं डो, वो तैयार करके रसगुल्ला बनाने स्टार्ट कर दूँगी। सो यहाँ पे अभी बच्चों को भी रेडी करना था, तो इसलिए भी बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, और आपके साथ और कुछ मैं इसमें नहीं, मैंने सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम दिखाया, क्या ज़्यादा दिखाना, नॉर्मली सब्ज़ी तैयार हो रही है ना। तो यहाँ पे बच्चों को रेडी कर रही हूँ मैं ट्यूशन ले जाने के लिए,
और देखिए बच्चे और बड़े बहुत ज़्यादा, पता है क्या है ना, बच्चों का रूटीन टूट गया है। अब पहले जैसा होता था ना कि एक एक था रूटीन, अभी वो है नहीं, ठीक है। तो बच्चे को भी तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी एक को तैयार कर रही हूँ, फिर दूसरा इधर भाग रहा है, फिर उसको पकड़ के लेके आ रही हूँ, बस यही चल रहा था यहाँ पे। तो बाबू लोग को मैं तैयार कर रही हूँ, दोनों बच्चों को। पहले केशव को कर दिया क्योंकि केशव बड़े हैं, तो ये क्या है ना, अगर उनको तैयार कर दूंगी तो शांति से बैठ जाएंगे। नंदिता को तैयार करूंगी ना पहले, तो फिर नंदिता शैतानी करने लगेंगी, छोटी है ना वो, उसको पता तो है नहीं कुछ, तो इसलिए मैं उसको बाद में तैयार कर रही हूँ। वो बड़े, केशव बड़े हैं तो समझदार हैं। तो यहाँ पे बस ये देखिए, और थोड़ा सा इनका फेस वेस ठीक कर दूँ, है ना, और थोड़ा सा सोच रही हूँ काजल की थोड़ी टिकली भी लगा दूँ तो वही लेकर आई हूँ मैं अंदर से। अभी नंदिता को लगा दूँगी मास्क, और काजल की हल्की सी टिकली लगा दूँगी, छोटी है वो, सो इस वजह से तो वही टिकली लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। और अभी क्या है कि बच्चों को छोड़ के आना है, उसके बाद फिर और भी बचे काम मुझे निपटाने हैं अपने। आज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था मेरा। कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं हम लोग, और कभी कभी फिर कुछ ज़्यादा काम भी नहीं रहता घर में, ये भी होता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको क्या है कि पाउडर भी लगा दे रही हूँ, बेबी पाउडर है ये, बच्चों का ही है। तो यहाँ पर मैं तो केशव को आप देख रही हूँ, केशव हाय हेलो कर रहे थे, है ना। तो बस ये देखिए, यहाँ पर नंदिता भी रेडी हो गई हैं। और अभी यहाँ पे पता है नंदिता क्या बोल रही थी, अभी मैं अभी आप लोग को बताती हूँ। नंदिता के देखिए मैं मास्क पहना दूँ, फिर आप लोग को बताती हूँ नंदिता क्या बोल रही। नंदिता बोल रही थी कि मम्मा मेरा और आपका ड्रेस का कलर सेम है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की, मैंने कहा अरे हाँ नंदिता सही बोल रही है, देखो हम दोनों के ड्रेस का कलर सेम है। अभी केशव को भी यहाँ पर मैं क्या है कि मास्क पहना दूँ, उसके बाद दोनों का मुझे बैग सही करना है। इन्होंने होमवर्क तो किया है, मैंने चेक किया था, बट फिर भी क्या होता है ना, एक बार और देख लूँ अच्छे से। तो यहाँ बॉक्स वगैरह देख रही थी, और इनकी बुक्स वगैरह देख रही थी जो लेना लेके जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। और नंदिता को बता रही थी अली बुक्स मतलब मैम को दे देना, मम्मा बोल रही हूँ मैं, बॉटल दोनों की सही कर दी। अब दोनों को लेके जा रही हूँ मैं, ये देखिए आप यहाँ पे केशव आए और हाथ खींच के लेके जा रहे हैं मुझे। और केशव को इतनी जल्दी रहती है, ये मेरे से जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं, मतलब मैं पीछे पीछे चलती हूँ, मेरे से आगे आगे मेरे बच्चे चलते हैं, ये होता है। हेलो गाइस, सो अभी मैं बच्चों को छोड़कर आ चुकी हूँ ट्यूशन, उनको छोड़ के आई हूँ दोनों बच्चों को। और मैं बताया क्या, पानी प्यास लग रही थी तो मैं पानी भी लेके बैठी हूँ, थोड़ी देर से ही पीऊँगी। मैंने कहा चलो आप लोग से बात कर लेते हैं। पता है क्या है, आज है तीज, सो आप सभी को हैप्पी तीज, और माता गौरी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और कैसे हैं आप लोग, किसने किसने तीज का फास्ट रखा ज़रूर बताइएगा। और मैंने तो फास्ट नहीं रखा, क्योंकि तीज का फास्ट मैं नहीं रखती, है ना, सो इस वजह से। और आप लोग में से बहुत से लोगों ने तीज का फास्ट रखा होगा, है ना। कोचिंग छोड़कर आ चुकी हूँ, अब मैं उनको लेने जाऊँगी 3 बजे। छोटे बच्चों के स्कूल तो अभी खुल नहीं रहे, ठीक है, और घर बैठे बैठे बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ टीवी टीवी टीवी। और नंदिता का क्या है ना कि स्कूल के एडमिशन, मतलब नंदिता की तो एज भी हो गई है, और जब से वो हुई है तब से 2 साल से तो यही चल रहा है, ठीक है, आप सभी को पता ही है। तो एडमिशन तो अभी हो नहीं पाएगा, एटलीस्ट जो होते हैं बेसिक मैनर्स होते हैं हमारे, कम से कम वो तो सीखे, है ना। सो इस वजह से मैंने कोचिंग में नंदिता को भी डाल दिया है। और केशव तो कोचिंग उनकी चली रही थी केशव की पहले से ही, लेकिन मार्च से बंद थी, मार्च से। और जो भी उनका जो होता है ना ABCD वगैरह, ये वो सारी की सारी चीज़ें भूल गए थे, और बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो भाई ये सब देख के मैंने, और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अभी ट्यूशन में जितना टाइम उनको होता है बैठते स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके बाद घर में आके अपना होमवर्क वगैरह करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मतलब स्टडी के लिए टाइम निकल रहा है। और ऐसे अगर मैं बोलती हूँ ना, तो कोई बच्चे पेरेंट्स की बात तो सुनते नहीं है, और टीचर्स बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। सो इस वजह से मैंने ट्यूशन, ये सब चीज़ें देख कर ट्यूशन लगा लिया है, और बहुत ही सेफ़ है, जहाँ ट्यूशन जाते हैं बच्चे बहुत सेफ़ है। और बस यही है, थोड़ा सा जो भी है गाइडलाइंस उसको फॉलो करते हैं, और बढ़िया से बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, और अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है बच्चों का, मतलब फिर से वो, मतलब बोलते हैं ना, ट्रैक पे आ रहे हैं बच्चे अभी अपने आप से थोड़ा पढ़ने बैठ जाते हैं शाम के टाइम पे, 7:30 बजे के आसपास स्टडी टाइम हो जाता है उनका,
तो अभी ठीक है, थोड़ा सा खेलना हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टीवी देखना हो रहा है और थोड़ा सा होमवर्क भी हो रहा है ना, तो अभी ठीक लग रहा है मुझे। उनको ट्यूशन छोड़कर आ गई हूँ और आप लोगों ने देखा था मैं कुकिंग करके गई थी और मैंने सब्जी तैयार कर ली है, ठीक है, आलू और बैंगन की सब्जी बना रही हूँ और राइस चढ़ा लूँगी, सैलड कट कर लूँगी और हमारा लंच हो जाएगा रेडी। तो जब तक बच्चे आएंगे फिर उनको लेकर आऊँगी, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे लंच, है ना। और आज ही ये ब्लॉग भी मैं पोस्ट करने वाली हूँ, आज तीज है और आज ही ये ब्लॉग जाएगा, क्योंकि अब मैंने क्या है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अब जो अपने ब्लॉग पहले मैं क्या है ना मॉर्निंग टाइम पे पोस्ट करती थी, बट अभी मुझे अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं मॉर्निंग में ब्लॉग पोस्ट करूँ, तो मुझे ये टाइम सुटेबल लग रहा है अपने अकॉर्डिंग। तो मैं अभी सोच रही हूँ शाम के ही टाइम पे मैं यही मतलब 4-4:30 बजे के आसपास अपने ब्लॉग्स पोस्ट किया करूँगी, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग ये टाइम ठीक है या नहीं, ओके। तो चलो ये पानी पी लेती हूँ, बात ज़्यादा हो गई है, पानी पी लेती हूँ फिर आप लोग से बात करती हूँ, ठीक है। अरे हाँ, मुझे एक बात और बोलनी थी, चलो ये पानी पीने के बाद बोलती हूँ। बहुत तेज पानी मतलब मुझे लग रही थी प्यास, और जब पानी पी लो तो कितनी राहत मिलती है। चलो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर से, ठीक है, फिर उसके बाद बात करती हूँ, क्या बात बतानी थी। तो यहाँ पर मैं आप लोग से बात करने के लिए बैठी थी और पता है क्या है ना कि मेरी लास्ट वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया था और मुझे क्या लगता है कि अगर मुझसे कोई कुछ पूछता है तो मैं उसका मतलब जल्द से जल्द जवाब दे दूं, और फिर नहीं तो क्या होता ना कि माइंड से थोड़ा शॉर्ट आउट हो जाता है, जो भी पुटअप होते हैं ना क्वेश्चन तो वो रह जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनके जो ये क्वेश्चन है जिन्होंने मुझसे पूछा है तो मैं उनका उनको ये इस चीज़ का आंसर दे दूं, ठीक है। और उन्होंने मुझसे क्या पूछा आप लोग भी सुन लीजिए, उन्होंने मुझसे पूछा था, अगर आप सुन रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको मेरे आपने जो क्वेश्चन पुटअप किया था और उसका आंसर आपको मिल गया है ना। और वो बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर मेरे, बहुत ही अच्छे हैं, और मैं आपके क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन बताती हूँ आपको, उन्होंने मुझसे क्या पूछा था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि ऑयली स्किन और ड्राई स्किन में डिफरेंस क्या है ना, तो मैं उनके क्वेश्चन का ये आंसर बता रही हूँ और मुझे जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक जो पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होता है क्या है ना, ऑयली स्किन का मतलब होता है कि जब अगर हमारी स्किन से बहुत ज़्यादा ऑयल आता है ना, जैसे मैंने बोला था मेरी स्किन ऑयली है, तो स्किन से ऑयल आता है और आपकी स्किन क्या शाइन करती है ना, तो उसे ही ऑयली स्किन मतलब कहते हैं। और ड्राई स्किन जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा सूखी होती है, ठीक है, बिल्कुल भी उस ड्राई स्किन जो होती है वो शाइन नहीं करती है। और विंटर सीजन में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो जाती है ड्राई स्किन में, ठीक है, ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क होती है और जैसे मैंने बताया बिल्कुल भी शाइन नहीं करती, और यही ऑयली स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा शाइन करती है। बट क्या है कि ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग ऑयली स्किन ज़्यादा अच्छी मानी गई है, ठीक है। और ऑयली स्किन के साथ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, उसमें क्या है कि पिंपल्स बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं ऑयली स्किन में, तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, कभी एक पिंपल यहाँ हो जाता है, कभी एक पिंपल यहाँ हो जाता है बहुत ज़्यादा, और अभी इस टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है पिंपल्स की प्रॉब्लम इस मौसम में बहुत ज़्यादा होती है, और ऑयली स्किन को बहुत बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है ना। तो और बस मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया, यही है डिफरेंस। तो आपको मे भी शायद आपको आंसर मिल गया होगा जो भी मैंने आपको बताया, और इसका जवाब बहुत बड़ा भी हो सकता था बट मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है क्योंकि आपको इसी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो यही है, और आप लोग क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छा लगता है। हेलो गाइस, तो अभी पता है मैं आप लोगों को कितनी देर बाद मिल रही हूँ, बहुत देर बाद मिल रही हूँ, और अभी 3 बजने वाले मैं आपको शो कराती हूँ, आप वो देखिए, है ना। तो अभी मुझे जाना है बच्चों को लेने के लिए, तो और लंच ऑलमोस्ट पूरा रेडी है, बच्चे आने के बाद फिर उनके साथ लंच करूँगी, और आप लोग देख सकते हो टाइम, है ना। तो चलिए किचन में चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या काम किया है, क्या क्या मैंने
सो ओके गाइज, अभी हम आ चुके हैं किचन में और मैंने आप लोगों को शो नहीं कराया बट यहाँ पे मैंने क्या क्या रेडी किया वो दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये उतनी देर में मैंने यहाँ पे ये देखिए रसगुल्ले बना लिए हैं गर्मा गर्म। मेरे केशव को बहुत ज्यादा पसंद है ये गुलाब जामुन। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से, और यहाँ पे हमारा घी भी तैयार हो रहा है तो चलिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ अच्छे से, ठीक है। सो ओके गाइज, यहाँ पे ये देखिए गुलाब जामुन रेडी है गर्मा गर्म, बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा बने हैं। ये देखिए मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ, सॉफ्ट हैं, टेस्टी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। तो गाइज आपको पता ही है लंच भी पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया, अभी मैं आपको सब्जी भी शो कराऊंगी। और आज के व्लॉग में आपके साथ इतना ही कुछ शेयर किया है मैंने, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक छाप देना गाइज। लाइक छापने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो पता नहीं क्यों, तो लाइक छाप देना। और सब्जी देखिए रेडी है यहाँ पर और घी भी निकल रहा है साइड में, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, घी भी निकालने का काम किया था। और आपको और एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो नोटिफिकेशन के बेल होती है ना। और कमेंट करके बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर छापना। ये देखिए घी भी निकल रहा है, राइस भी रेडी है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।